कभी कभी क्या होता है, अचानक चलती हुई कार हमें बंद हो जाती है, उसके कारण क्या होता है? सपोज कर लीजिए इस तरीके से आपकी कार जा रही है और चलते चलते बंद हो जाए, जिससे कि आपकी गाड़ी में इस तरीके की लाइटें आ जाए, तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जब मीटर में इस तरीके की लाइटें आ जाती है, आपकी कार बंद हो जाती है, तो आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया है मेरी कार में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं भी कहता हूं आप सभी लोगों को और एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूं कि चलते चलते कार हमारी बंद हो जाती है, उस सिचुएशन में हमारे सामने क्या होता है कि आपके मीटर में इस तरीके से कुछ लाइटें आ जाती है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका क्या कारण होता है, क्यों ये लाइटें जल जाती हैं और हमारी कार चलते चलते बंद हो जाती है? तो गाइस, आज इसी टॉपिक पे मैं ये वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी जानकारी दूंगा। पांच ऐसे स्टेप बताऊंगा कि आपको चलते चलते आपकी कार इन कारणों से बंद हो सकती है। तो गाइस, आप लोग वीडियो पूरी जरूर देखें। यहाँ पे गाइस मेरी कार खड़ी है, ये मैं देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक्सप्रेस वे पे है, इसके पास मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे वीडियो ये बना रहा हूँ। तो गाइस, आप लोग वीडियो पर बने रहें। कारण नंबर एक गाइस क्या होता है कि जब हम कार चलाते हैं और चलाते चले जाते हैं, लमसम 2-3, 500-600 किलोमीटर चला रहे हैं और कार हमारी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, और गाइस सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कहीं ना कहीं से हमारी गाड़ी का जो कूलेंट है, रेगुलेटर कहीं से लीक हो गया या कोई पाइप वगैरह फट गई है, उसके कारण क्या होता है कि कूलेंट नीचे गिर जाता है, आपको पता नहीं चलता है और कार चलती चली जाती है, और गाइस क्या होता है कि आपकी कार एक जगह कहीं पर जाके बंद हो जाती है। जब बंद हो जाती है तो इस तरीके से आपकी लेट लाइटें गाड़ी में जल जाती हैं। देखिए गाइस, जब गाड़ी ओवर हीट हो जाएगी, आपका कूलेंट बाहर निकल जाएगा, तो जाहिर सी बात है गाड़ी हीट करके गर्म होके बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जानकारी आपको पहली मिल गई। कारण नंबर दो गाइस क्या होता है, गर्मियों के सीजन में जब हम कार चलाते हैं, एक तो गर्मी की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दूसरी चीज़ गैस हमारी गाड़ी गर्म होती है और चलते चलते, और तीसरी चीज़ गैस क्या होता है कि गाड़ी में जब हम एसी चलाते हैं तो गाड़ी हमारी डबल प्रेशर से गाड़ी हमारी हीट होने लगती है। इस कारण गैस क्या होता है कि हमारी गाड़ियों में जो फ्यूज लगे रहते हैं, एक जो मेन पॉइंट वाला फ्यूज होता है, वो फ्यूज हो जाता है या खराब हो जाता है, मैं आपको सब बता रहा हूँ। तो उसके कारण भी इस तरीके से लाइटें जल जाती हैं और अपनी कार बंद हो जाती है। तो उस सिचुएशन में आपको परेशान नहीं होना है, अपने फ्यूज चेक करवा लेना है। आपको ये जानकारी दूसरी मिल गई। कारण नंबर तीन गैस क्या होता है कि कभी कभी गैस जल्दी तो नहीं होता है, बट होता है कभी कभी, क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए अपनी कार का हम कार चलाते जा रहे हैं और आपको ये नहीं पता चला कि एंटीनेटर हमारा काम नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन में क्या होता है गैस, एंटीनेटर तो सप्लाई बैटरी को दे नहीं रहा है, जो बैटरी आपकी गाड़ी में चार्जिंग बची हुई है उसके कारण आपकी कार चल रही है, और अचानक क्या होता है कि बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है। तो कभी कभी गैस क्या होता है कि हमारी गाड़ी बंद हो जाती है, इस कारण भी लाइटें हमारी जल जाती हैं और हमारी कार बंद हो जाती है। वैसे गैस अधिकांश ये चीज़ें होती नहीं है, बट कभी कभी हो जाता है, क्योंकि नई गाड़ियां आ रही हैं, नया सिस्टम में आ रही हैं, तो उनमें गैस जल्दी जल्दी ये काम हो सकता है और होता है। पहले गाड़ियां नॉर्मल थी, उनमें क्या होता था गैस, आपका एंटीनेटर ख़राब हो गया बट आपकी गाड़ी बंद नहीं होती थी, बट अब आज के पीरियड में जो गाड़ियाँ नई आ रही हैं उनमें जो इस तरीके से कोई कमी हुई या ख़राब हुआ एंटीनेटर वगैरह, तो आपकी कार बंद हो जाती है, इस तरीके से लाइटें आपकी सारी जल जाती हैं। तो गैस तीसरी जानकारी ये है। कारण नंबर चार गैस क्या होता है कभी कभी कि कार हमारी चल रही है और चलते चलते बंद हो जाती है, क्यों बंद हो जाती है गैस, ये होता है कि हमारी कार की जो बैटरी है, बैटरी में टर्मिनल लगे होते हैं, वो किसी कारणवश ढीले हो गए या लूज हो गए, तो उसके कारण क्या होता है गैस कि आपकी बैटरी की जो चार्जिंग है वो बैटरी में नहीं जा रही है। जब भी आप इस तरीके की सिचुएशन में कार चला रहे हो और कार चलाते चलाते चले गए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि इस तरीके से आपकी कार चलती चली जाएगी और आपकी कार में इस तरीके से लाइटें जल जाएंगी और आपकी कार बंद हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी को सप्लाई मिल नहीं रही है और गाड़ी आपकी इस तरीके से बंद हो सकती है। तो चौथी जानकारी ये है। कारण नंबर पांच गैस क्या होता है कभी कभी कि जैसे कि फैमिली में कार एक ही है, गाड़ी एक ही है और चलाने वाले कई लोग हैं, ठीक है। अब हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, कहीं जल्दबाजी में हम जैसे जा रहे हैं और जाते समय हमने अपनी गाड़ी के फ्यूल के बारे में
चेक नहीं किया, मतलब फ्यूल हमने नहीं चेक किया, या सीएनजी हो या पेट्रोल हो या डीजल हो, हमने उसको चेक नहीं किया और हम कार लेके जा रहे हैं क्योंकि हम लेट हो गए थे पहले से। अब जा रहे जाते रहे जा रहे और चलते चलते हमारी कार जो है कार बंद हो गई, इस तरीके से लाइटें जल गई। तो गाइस क्या कार होता है, देखिए गाइस जब आप इस तरीके कंडीशन में अपनी कार चलाते हो तो आपकी कार में जो फ्यूल है वो खत्म हो गया या सीएनजी खत्म हो गई, तब इस तरीके से आपकी कार बंद हो जाएगी और इस तरीके से आपकी गाड़ी की लाइटें जल जाएंगी। तो पांचवी जानकारी इस तरीके से आपको मैंने दी। गाइस ये जानकारियां पांचों मैंने जो आपको दी है कैसे कारण होते हैं कार बंद होने के और कार में इस तरीके से लाइट जलने के, तो गाइस आप लोगों को ये चीजें जरूर समझ में आई होगी। तो गाइस आप लोग एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप हमारी जरूर कबूल किया करें, आप वीडियो पूरी देखा करें। दूसरी चीज गाइस वीडियो को प्लीज एक लाइक तो बनते ही है गाइस, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो को एक लाइक किया करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब किया करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलने से। आपका कुछ नहीं जाता बट हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है और ये जानकारी आप लोगों को समझ में आ रही है और प्यार सपोर्ट आप लोग इतना हमें दे रहे हो। तो गाइस किसी प्रकार से जानकारी या सुझाव चाहिए तो कमेंट करके हमें कमेंट कर सकते हो, और किसी प्रकार से आपको कोई वीडियो चाहिए तब भी आप कमेंट कर सकते हो। तो गाइस अब आप मुझे इजाजत दीजिए, किसी नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक लोग के बाय, जय हिंद।